दिखने में गुलाब जामुन जैसी और स्वाद में काजू कतली, बाहर से जामुनी और अंदर से गुलाबी। इस मिठाई को बनाने की तरकीब आइए सीखें। 2 कप काजू का पाउडर। काजू को आपने बहुत ही बारीक पीसना है, जितना आप काजू कतली बनाते समय पीसते हैं दरदरा, उससे भी बहुत बारीक, बिल्कुल ही बारीक पीसेंगे आप काजू को। 2 कप मिल्क पाउडर ले लेंगे, मैंने इस ब्रांड का उपयोग किया है। 1 कप कंडेंस्ड मिल्क और 2 बड़े चम्मच देसी घी। 1 चम्मच लेंगे तिल, यह है सफेद तिल, और आधा छोटा चम्मच केवड़ा वाटर उस महक के लिए। रंग के लिए लेंगे हम गुलाबी और बैंगनी, यानी कि पर्पल कलर का रंग। आइए फिर जो काजू आपने पीसे थे उन्हें हम एक छन्नी की मदद से पास कर लें, और जो भी उसके अंदर थोड़े बहुत लम्स बचे होंगे उन्हें हम फेंक दें, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल फाइन पाउडर। 1 कप काजू डाला था, अब 1 और कप डाल रहा हूँ, यह 2रा कप। इसे भी उसी प्रकार से छानिए और जो दरदरा काजू है उसे फेंक दीजिए। तो काजू का पाउडर तैयार है। इस बात को आवश्यक याद रखें कि आपने काजू का पाउडर बिल्कुल माहिम एकदम बारीक पीसना है। आइए फिर एक कढ़ाई लेते हैं लोहे की, और इसमें डाल लेते हैं 2 टेबलस्पून देसी घी। कम आंच पर, सबसे कम फ्लेम पर पकाते हुए आप इंतजार करेंगे इस देसी घी के पिघलने का। जैसे ही पूर्ण रूप से पिघल जाता है आप इसमें डालेंगे 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क चिपक सकता है, इसलिए अपनी कड़छी हिलाते हुए डालें तो बेहतर रहेगा। कंडेंस्ड मिल्क में चीनी की मात्रा पहले से ही अधिक होती है, इसलिए आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर नेस्ले मिल्क मेड का ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ इस कंडेंस्ड मिल्क के लिए। जैसे ही उबाल आना शुरू होता है इसके अंदर इस प्रकार से, तब आप इसके अंदर 2 कप काजू का पाउडर और 2 कप जो आपने मिल्क पाउडर लिया था वो डालेंगे, और इसे फटाफट यानी कि तुरंत ही हिलाना शुरू कर देंगे कड़छी की मदद से, या फिर ये चिपकना शुरू हो जाएगा, और एक बार चिपक जाता है तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है, इसलिए फ्लेम भी आप कम रखेंगे। ठीक है जी, अब इसे हिलाते रहिए, पकाते रहिए। बहुत ही कम वक्त में, 3 से लेकर 4 मिनट में ये इस प्रकार की कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा, एकदम जैसे गर्मा गर्म चाशनी आपने आटे में मिला दी हो हलवा बनाते समय। तो अगर ऐसी कंसिस्टेंसी आपको मिल रही है तो बहुत बढ़िया। कढ़ाई को फ्लेम से उतारें, एक बटर पेपर लें जैसे मैंने लिया, और इसके ऊपर गर्मा गर्म जो आपका काजू का पेस्ट है वो डाल दें। इस वक्त ये बहुत ही गर्म है तो हाथ ना लगाएं इसे, और इसे करीबन 10-15 मिनटों के लिए हम ढक के रख देंगे इसी बटर पेपर में। और ढकेंगे इसलिए ताकि अगर इसको खुला रख दिया आपने तो इसकी पपड़ी बन सकती है ऊपर से, इसलिए ढक के ज़रूर रखें। 15 मिनट बाद जब ये कैश्यू डो आपके हैंडल करने के लायक हो जाए और थोड़ा सा कम गर्म हो, तब आप इसे खोलेंगे और डालेंगे इसके ऊपर केवड़ा वाटर महक के लिए 1/2 टीस्पून। अपने हाथों को ग्रीस करेंगे हम थोड़े से देसी घी से, ताकि चिपके ना ये कैश्यू डो हमारे हाथों पर, और इसे आराम से मोल्ड कर लेंगे। इसी रीज़न से मैंने आपसे कहा था कि अगर ये बहुत गर्म हुआ आप इसे टच नहीं कर पाओगे, आपके हाथ जलेंगे, बहुत ठंडा हुआ तो ये मोल्ड नहीं होगा। तो हल्का गुनगुना गर्म होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसे मोल्ड करें। और इसे विभाजित करेंगे अब हम 3 बराबर भागों में इस प्रकार से, और फिर इनकी लोइयां बना लेंगे, यानी कि गोल पेड़े इस आकार के, और फिर हम भरेंगे इनमें रंग। एक को रखेंगे ऐसा ही ओरिजिनल बादामी रंग का, दूसरे में गुलाबी और तीसरे में जामुनी रंग भरेंगे। तो आइए फिर एक प्लास्टिक शीट बिछा लेते हैं, जिससे कि जब हम इस लोई के अंदर रंग भरकर इसे नीड करेंगे तो ये नीचे की परत पर चिपकेगी नहीं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं फूड कलर जेल, ये है पिंक कलर का। इस रंग को अगर आप पाना चाहते हैं तो पिंक में बड़े सारे रंग आते हैं। इस रंग का बेहतरीन नाम जो कि कारगर रहेगा इसे खरीदने में वो है फूशा। तो आप फूशा कलर मांगेंगे तो आपको ये रंग दे देगा दुकानदार। इसे अच्छे तरीके से मिलाइए रगड़ रगड़ कर, फिर इसका पेड़ा बनाइए, और ताकि इसकी बाहरी परत सूख ना जाए इसे आप एक बटर पेपर में लपेट कर साइड पर रख दीजिए। आइए तब तक दूसरे रंग की तैयारी करते हैं, जिसके लिए लूंगा मैं अलग से एक प्लास्टिक शीट नई वाली।
और इस पे डालेंगे एक और पेड़ा, और इस दूसरे पेड़े पर हम डालेंगे जामुनी बेहतरीन कलर। वाह, जैसे ही मिलाता हूँ देखिए कितना खूबसूरत रंग इसका बन के आएगा। ये बाहर से आपके काजू कतली को देगा एक गुलाब जामुन वाली फीलिंग। इसे भी आप उसी तरीके से बटर पेपर में लपेट कर साइड पर रख दे ताकि इसकी परत बाहर से सूखे ना। और तीसरा तो आपको पता ही है, वो है बादामी रंग का। उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन आइए अब इन तीनों पेड़ों को एलोंगेट करके लंबा करते हुए अपने हाथों में मसल कर साइड पर रखते हैं इस प्रकार से। ये बाकी पेड़े भी आ गए हमारे पास, तीनों के साथ हमने वही करना है। अब आप इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे, करीबन 8 से 10। मैं बहुत बड़े गुलाब जामुन की काजू कतली बना रहा हूँ तो मैंने 8 पीस ले लिए, टोटल हो गए 24 पीस। अब इनमें से एक उठा लें आप कोई भी और इसे गोल आकार दे इस प्रकार से अपनी हथेलियों में दबाते हुए। अच्छा सा फर्म ज़बरदस्त गोल बिना क्रैक्स का आकार देंगे आप। ये सभी के साथ किया हमने। और आइए फिर अब जामुनी रंग उठा के अपनी हथेलियों में रखते हुए इसे मसलते हैं ताकि इसकी पपड़ी बना लें हम। पपड़ी इतनी बड़ी जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। और फिर ये बादामी रंग लेंगे और इसकी भी पपड़ी बना लेंगे। जैसे इसकी पपड़ी बन जाए तो आप इसके अंदर रखेंगे गुलाबी रंग की बॉल इस प्रकार से बीचों बीच, और बादामी रंग की पपड़ी को फोल्ड करते हुए कवर करेंगे इस गुलाबी रंग की बॉल को इत्मीनान से, और फिर इसे फिनिशिंग टच देने के लिए एक बार रोल कर लेंगे अच्छे से। अब इस बॉल को आप रखेंगे किसमें? जी बिल्कुल सही गेस किया आपने, जामुनी रंग की पपड़ी के अंदर, और इसे आप फोल्ड करेंगे। तो देखिए बाहर जामुनी, अंदर बादामी और इसके अंदर गुलाबी, बहुत ही खूबसूरत आकार आया है। ये सभी बॉल्स के साथ हमने इसी प्रकार से करके सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। और ऐसा करने के बाद आप इसे और थोड़ा एक बेहतरीन फिनिशिंग टच देंगे, वो चांदी का वर्क लगा के। तो चांदी का वर्क अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, मज़ा आ जाता है। इसे सजाइए और फिर पेश कीजिए, सभी को खिलाइए, सरप्राइज़ कीजिए। राखी पे या अप्रैल फूल्स डे पे इसको बनाने का मज़ा ही कुछ और है। आगे वाले को पता ही लगता, वो सोचता है गुलाब जामुन है, पर जब वो काट के देखता है तो अंदर से पता लगता है कि ये है बेहतरीन बनी हुई काजू कतली, डिलीशियस होममेड, आपकी अपनी घर पे बनी हुई रेसिपी।